पारा मक्खन बन चुका है। हेलो, ये पारा बिल्कुल मक्खन बन चुका है, मक्खन की तरह चांदी और पारा। अब मैं दोस्तों इसको ऐसे पकड़ कर निचोड़ दूंगा और इसमें जो फालतू पारा है वो इसी में आ जाएगा। ऐसे कसकर इसको निचोड़ दें ताकि इसमें जितना चांदी ने पारा पकड़ना है यहाँ पर पकड़ लेंगे, उसके बाद जो चांद पारा बचा है वो आपका बाहर आ जाएगा। कपड़े से ऐन कसकर निचोड़ दें जितनी आपस में ताकत हो, फिर इसकी गोली बनने लग जाएगी। अब दोस्तों यह चांदी पारे की घिरा की तरह बन गया है। अब आप इसको ऐसे कैसे भी रख सकते हो, यह रुक जाएगी। ऐसे इसकी गोलियां बनाएंगे हम, एक एक तोले की 10-11 ग्राम या 11 ग्राम की गोली होती है, 12 की भी होती है, ये जितनी बनेगी उसी हिसाब से बना दूंगा। अब हम इसके अंदर एक सिलाई लगाएंगे जो जब पकेगी वो जल कर निकल जाएगी, सुराख इसमें बन जाएगा धागा डालने के लिए, क्योंकि जब हम ऐसे मुंह में डालेंगे तो अंदर जाने का डर है। और धागे से लोकड़ की तरह आप अपने पास रख सकते हैं। अब ये देखो, ये चांदी और पारा है, इसकी गोलियां बनाकर फिर जैसा मैंने प्रोसीजर बताया है वो हम पकाएंगे। वो मैंने पहले भी लाइव दिखा रखा है, कुछ दोस्तों को अगर जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बना दी है, क्योंकि मुझे जो चीज़ बनानी है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसलिए ये देखिए, अब ये गोली बन गई है और अब हम इसको पकाने के बाद धतूरे के तेल में रखेंगे, उसमें पकाने के बाद फिर हम दोस्तों को देंगे। धन्यवाद दोस्तों।